हेलो एवरीवन, सो हेयर वी आर विद द सेकंड वीडियो ऑन द काइनेमेटिक्स। तो आज शुरू करते हैं विद द बेसिक्स क्वेश्चंस जो कई बार इक्वेशंस के फॉर्म में दिए जाते हैं और आपको कई सारे सवाल पूछे जाते हैं उनमें से। जैसे हमारे सामने एक इक्वेशन है x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 10। तो देखो, इस टाइप के कई सारे सवाल बनते हैं। एज फार एज टाइम इज देयर, आप डिफरेंशिएट करके एक्स को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाए? तो देखो, सीधा सा बात है, आप इस डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए। इसको हमने dx बाई dt कर दिया, जो कि वेलोसिटी होता है 10t माइनस 40। इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2x बाय dt2, जो कि है माइनस 40। ठीक है, सॉरी, इट इज 10। आपने फिर से डिफरेंशिएट किया 10। तो देखो, यहाँ आपको वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का फंक्शन मिल गया। तो जब भी एक क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं इनिशियल सिचुएशन का। अगर मैं यहाँ देखूँ एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट है प्लस 10, वेलोसिटी है माइनस 40 और एक्सेलरेशन है 10। इन तीनों को देख के आपको समझ आ गया होगा दैट द पार्टिकल इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। पार्टिकल कहीं और चालू कर रहा है 10 से, और पार्टिकल इनिशियली कहाँ है? माइनस 40 वेलोसिटी, यानी कि वो पीछे की तरफ 40 की स्पीड रखता है और उसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 10 है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखते ही मैंने सबसे पहले ये बता दिया, भाई ये रिटार्डिंग मोशन है। क्या ये ब्रेक वाला रिटार्डिंग मोशन है? नो, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग एक्सेलरेशन टिल इट टेक्स अ यू टर्न, एंड आफ्टर द यू टर्न इट इज कंटिन्यूसली मूविंग विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो आप बहुत ही जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, डायरेक्टली बोल सकते हैं 40 है, उसके बाद 30 हो जाएगा एक सेकेंड के बाद, फिर 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा और फिर 0, यानी फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड और फोर्थ सेकेंड पे वो जीरो हो रहा है। फोर्थ सेकेंड पे जीरो के मतलब क्या है? फोर्थ सेकेंड पे यू टर्न ले रहा है। अब देखो, ये एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बॉडी यू टर्न कब ले रहा है। ठीक है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल बताओ, एक सेकेंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, दो सेकेंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, बॉडी का वेलोसिटी प्रोफाइल बताओ। चौथे टाइप का क्वेश्चन आता है, बॉडी वापस अपनी पोजिशन पर कब आएगा। पांचवे टाइप का क्वेश्चन होता है, बॉडी वापस ओरिजिन पे कब आएगा, ओरिजिन पे कितनी बार आएगा। ठीक है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस कर ले तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस टेक केयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने नॉर्मल एनालिसिस से निकाला कि फोर्थ सेकेंड पे बॉडी यू टर्न मारेगा, बट इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे किया जाए? आपको पता है, जब जब बॉडी यू टर्न मारता है इसका मतलब एक डायरेक्शन का वेलोसिटी पलटी मार के दूसरे डायरेक्शन में होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होती है जीरो। तो चलो, वेलोसिटी इक्वेशन क्या था, याद है? dx by dt कितना था अपना? dx by dt था 10t माइनस 40। तो जैसे ही मैं वेलोसिटी को जीरो करता हूँ, इसका मतलब t कितना आ गया? 4 सेकेंड। तो आज के बाद से आपको याद रखना है कि यू टर्न कब मारती है बॉडी? जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि बॉडी 4 सेकेंड पे यू टर्न मार रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन कि यार डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल बताओ, डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड। बहुत आसान है, अपना इक्वेशन क्या था x का? x का इक्वेशन क्या था? 5t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 10। 0 सेकेंड पे कितना है? प्लस 10। 1 सेकेंड पे देखो, t को वैल्यू 1 डालो तो 5 माइनस 40 प्लस 10 कितना हो गया? ये 30 और 5 माइनस 25 मीटर। 2 सेकेंड पे कितना हो गया? 2 डालो, 5 × 4 माइनस 40 × 2 प्लस 10, 5 × 4 = 20 माइनस 80 प्लस 10, ये आ गया माइनस 50। ठीक है, 3 सेकेंड पे निकालते हैं, चलो 3 सेकेंड पे कितना है? 5 × 9 माइनस 40 × 3 प्लस 10, 5 × 9 = 45 माइनस 120 प्लस 10, ये कितना आ गया? 45 प्लस 10 55, 55 = 60 और 65 मीटर माइनस का। एट फोर्थ सेकेंड, जहाँ पे यू टर्न मार रहा है वो अपन देखते हैं, 5 × 16
माइनस 40 इंटू 4 प्लस 10, 16 फाइव ज़ा 80 माइनस 160 प्लस 10। ये देखो 80 माइनस 160 होता है माइनस 80, माइनस 80 प्लस 10 माइनस 70 मीटर। तो फोर्थ सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस 70 मीटर। ठीक है, दैट्स ओके। तो अभी इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखना। ये 10 पे चालू किया और माइनस 70 मीटर, माइनस 70 मीटर पे यू टर्न मार रहा है। तो अगर मैं एक्चुअली देखने जाऊं तो बॉडी कितना चला है यू टर्न से पहले? बॉडी चला है 80 मीटर। मैं चाहता हूं आप सब ये याद रखें, यहां पे बॉडी कितना चला है माइनस, यहां पे बॉडी चला है 35 मीटर, यहां पे बॉडी चला है 35 मीटर, यहां पे बॉडी चला है 60 मीटर, यहां बॉडी चला है 75 मीटर और यहां बॉडी चला है 80 मीटर। मैं चाहता हूं इस चीज को आप याद रखिए, क्योंकि अब जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा, यही वेलोसिटी प्रोफाइल होगी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। तो हमको पता चल गया कि वो 80 मीटर जाने के बाद यू टर्न मार रहा है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया है। अब इसका हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल निकाल लिया, सॉरी हमने इसका डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल निकाला। अब वेलोसिटी प्रोफाइल निकालते हैं। तो वेलोसिटी एट जीरो कितना है? माइनस 40। वेलोसिटी एट वन कितना हो जाएगा? याद है वेलोसिटी क्या था? 10t माइनस 40। वन सेकेंड पे कितना है? 10 माइनस 40 दैट इज माइनस 30। अभी भी पीछे जा रहा है। वेलोसिटी एट टू सेकेंड देखो कितना है? 20 माइनस 40 माइनस 20। अभी भी पीछे जा रहा है ना। वेलोसिटी एट थ्री सेकेंड कितना है? 330 माइनस 40। देखो अभी भी माइनस 10 से पीछे जा रहा है। और वेलोसिटी एट फोर आ जाएगा जीरो, पलटी मार रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या हो रहा है। वेलोसिटी एट फाइव सेकेंड आएगा, निकाल के देखो, प्लस 10। वेलोसिटी एट सिक्स सेकेंड देखो कितना आएगा? प्लस 20। वेलोसिटी एट सेवन सेकेंड देखो कितना आएगा? प्लस 30। वेलोसिटी एट एट सेकेंड देखो दोबारा माइनस 40 का प्लस 40 हो गया। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल देखूँ, जो आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, इसका मैं आपको ब्रॉड एनालिसिस बताता हूँ। जहाँ से गाड़ी चालू हुई है वहाँ से हर सेकेंड वो कुछ पीछे जा रही थी, फोर्थ सेकेंड पे 80 मीटर पे जाके यू टर्न मारा उसने। पहले सेकेंड पे उसका वेलोसिटी प्रोफाइल क्या था? यहाँ पे माइनस 40 माइनस 30, ठीक है, माइनस 20 माइनस 10 और यहाँ पे ज़ीरो। एग्जैक्टली आगे भी ऐसे ही कहानी होगी, प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 और यहाँ पे आने के बाद दोबारा प्लस 40। तो बाय सिमेट्री आप कह सकते हैं कि जीरो पे चालू हुआ उल्टे डायरेक्शन में, तो एट पे वापस सेम पॉइंट पे आएगा, सेम पोजीशन पे आएगा। ये तो हमने सिमेट्री से बोला, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट है तो बस आप पॉइंट ऑफ यू टर्न निकाल लो। हमने निकाला फोर सेकेंड, तो फोर सेकेंड विल बिकम द लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब फोर सेकेंड के, जीरो से फोर सेकेंड का जो मोशन है बिल्कुल ऑपोजिट आप फोर सेकेंड टू एट सेकेंड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या था? एक्स इज इक्वल टू 5t² माइनस 40t प्लस 10। हमने डिस्प्लेसमेंट 1, 2, 3, 4 सेकेंड्स तक निकाला था। अगर आप डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकेंड निकालिए तो आप देखेंगे ये वही आएगा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड था। आप डिस्प्लेसमेंट एट 6 सेकेंड निकालिए, आप देखेंगे ये वही आएगा जहाँ डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड है। आप डिस्प्लेसमेंट एट 7 सेकेंड निकालिए, ये आएगा जहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेकेंड था। एंड सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 8 सेकेंड विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0, ठीक है। तो ये तो हमने देखो लॉजिकली समझा। इसको अगर सॉल्व करना है, कि अगर आपको मान ले लॉजिकली ना चमके तो उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, फाइंड टाइम व्हेन इट रिटर्न्स, रिटर्न्स मतलब जहाँ पे ओरिजिनली था। ओरिजिनली किधर था? x इक्वल्स टू 10 पे। तो ठीक है, डाल दो। अपना इक्वेशन क्या था?
x इज इक्वल टू 5t² - 40t + 10। आपको रिटर्न वापस 10 पे आना है ना, तो डालो वैल्यू ऑफ x का 10। तो 10 इज इक्वल टू 5t² - 40t + 10। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आप देखोगे t इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन रूट आएगा उसका, क्वाड्रेटिक है ना, दूसरा रूट आएगा t इज इक्वल टू 8। इसका मतलब 0 सेकंड पे 10 था और 8 सेकंड पे दोबारा 10 था, ठीक है। तो ये था वेलोसिटी प्रोफाइल जो हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल देखा, ये सिमेट्री होता है अबाउट x इक्वल टू 10। अब इसमें एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, फाइंड द टाइम व्हेन इट रीचेज ओरिजिन, ओरिजिन पे वो कब रीच करेगा। तो कुछ नहीं, सिंपल इक्वेशन को डालो 5t² - 40t + 10। तो मैंने x को 0 डाला, 5t² - 40t + 10। आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे t1 और t2। इसका मतलब ये कार यहाँ से चालू होकर t1 टाइम पे ओरिजिन पे आया और t2 टाइम पे दोबारा ओरिजिन पे आया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अगर मैं पूछूं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी इन 3 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी इन 3 सेकेंड, तो आप कहोगे हाँ सर सीधा है, टी इक्वल टू 3 डाल देते हैं, 5 × 9 - 40 × 3 + 10। बिल्कुल हमने यही किया है, 45 - 120 + 10, 45 - 120 ये आ गया 75, माइनस का प्लस 10 -65। तो क्या आप बोलोगे सर ये -65 डिस्प्लेसमेंट है? नो, हमेशा ध्यान रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन ये ज़रूर होगा। आपको समझना होगा कि ये पोजीशन है -65, चालू कहाँ से था, प्लस 10 से, और -65 पे तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट आया, -75 मीटर। तो योर आंसर विल बी 75 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, 75 मीटर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्टेंस की डिस्टेंस पूछा जाए तो सिंपल 75 मीटर, ओके। अब इसको आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हो, ग्राफिकली इनफैक्ट। आप देखो डिस्प्लेसमेंट का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हम अब समझेंगे ग्राफिकली, डिस्प्लेसमेंट का क्वाड्रेटिक फंक्शन है 5t² - 40t + 10। एट टी इक्वल टू 0 वो कहाँ पे था, 10 पे था। एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड वो पलटी मार रहा है, कहाँ पे जाके, -75 पे पलटी मार रहा है, ये -75। तो आपको पता है पैराबोला सिमेट्रिक होता है, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, और जहाँ पे वापस 10 मीटर आ रहा है ना, दैट विल बी 8 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड। तो हमने क्या देखा, एक इक्वेशन दिया है x का, तो ध्यान रखिएगा वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, पोजीशन का इक्वेशन है, वहां पे टाइम डाल के आपको नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता है, वहां पे टाइम डाल के आपको पोजीशन मिलता है, ये पहला ट्रिक। दूसरी चीज, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है या वेलोसिटी और टाइम भी दे रखा हो, तो सिंपल आप डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लो, ये दूसरी ट्रिक। तीसरी चीज, अगर इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका रिटार्डिंग मोशन होगा इनिशियली, फिर यूटर्न मार के एक्सेलरेटिंग मोशन होगा। फोर्थ थिंग, इसको आप सिंपल क्वाड्रेटिक की तरह भी समझ सकते हो। फिफ्थ थिंग, इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल जाने का हर सेकंड और यूटर्न के बाद का हर सेकंड सेम होगा, जैसे जाने का पहला फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ पे यूटर्न, तो फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ और थर्ड सेम होगा, सिक्स्थ और सेकंड सेम होगा, सेवन्थ और फर्स्ट सेम होगा, 0 और 8 सेम होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक प्रोफाइल होता है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चंस आएंगे आपके मोशन अंडर ग्रेविटी में। आप समझ लीजिए इसी एक क्वेश्चन में आपके हर टाइप के ग्रेविटी क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अगले वीडियो में हम इसका ही एक और वेरिएशन करेंगे, ओके गाइज, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।